नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। तो नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 28 सालों से फंसे बाबरी विध्वंस मामले में आज बड़ा फैसला सामने आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, इस मामले में कुल 49 आरोपी थे जिनमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाकी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर फैसला सुनाया है। इस मामले में ये सुनवाई अंतिम सुनवाई है जो 28 सालों बाद सामने आई है। इसमें 32 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में नहीं पेश हुए। वहीं फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बाबरी विध्वंस पर आए फैसले पर सीएम योगी ने कहा कि ये सत्य की जीत है। ढांचा विध्वंस पर आए फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाते ही आडवाणी, जोशी, उमा भारती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने यह माना है कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। कुछ अराजक तत्वों ने इस कार्य को अंजाम दिया था। अखबारों को साक्ष्य नहीं माना गया है। वहीं वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं है। कैसेट को सील नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।